हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो टुडे इज़ द लेसन लेसन 52, एंड दिस लेसन लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी. द टॉपिक नेम इज फर्स्ट इज टाइपिंग. सो यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन योर टाइपिंग स्किल बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी टू प्रैक्टिस. ओके, फर्स्ट थिंग आपके ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वहाँ पर क्या करना होगा. ही इज गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन एवरीबॉडी. द क्वेश्चन इज लाइक, वॉट आर सम एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर पोस्चर, मतलब प्रॉपर पोस्चर का क्या एलिमेंट है. हाउ शुड योर प्लेस, लाइक आपका बैक आईज कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन आप बताओगे आंसर. उसके बाद आप देन एवरीबडी यू आर गोइंग टू वॉच वन वीडियो. आप हो अपर रो पे प्रैक्टिस करने जा रहे हो, क्योंकि अभी आपने जो है होम रो पे किया होगा प्रैक्टिस, बट आप क्या करोगे करने जा रहे हो अपर रो पे प्रैक्टिस. ठीक है, यू आर गोइंग टू वॉच वीडियो. दो वीडियो होगा, एक हिंदी में होगा, इंग्लिश आपके ऊपर है. इस वीडियो को आप करने जा रहे हो अपर रो में. कौन से की जाते हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर टी यू वी आई ओ पी, ये जो ऊपर का कीज होता है अपर रो होता है ना. जैसे होम रो के ऊपर वाला कीज क्या होता है, अपर रो होता है. तो इस पर आप जब जा रहे हो प्रैक्टिस करने, मतलब वीडियो देखने के बाद, उसके बाद लॉग इन करोगे और प्रैक्टिस करोगे. उसके बाद आपके ऊपर है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने जाओ सेल्फ गाइडेड लर्निंग. आप अगर टाइपिंग आपको करने का नहीं मन है, तो सेल्फ गाइडेड लर्निंग कोई प्लान हो सकते हो. आज आप क्या सीखना चाहते हो, देन आप उस गोल को अचीव करोगे, प्रैक्टिस करोगे. देन ही विल आस्क द वन क्वेश्चन, डिड यू अकम्प्लिश योर गोल, कि आपने गोल को कम्प्लीट किया, वाई एंड वाई नॉट. वट चैलेंजेस डिड यू फेस वाइल डूइंग वाइल सॉल्विंग योर गोल, क्या चैलेंज आप फेस कर रहे थे जब आप सॉल्व कर रहे थे. देन यू आर गोइंग टू प्ले एनर्जाइजर. एनर्जाइजर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक इट इज़ लाइक ए फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर. लाइक कोई स्टूडेंट को सबको सर्टिफिकेट में खड़े जाने हो जाएगा, एक लोग को दिया जाएगा. जैसे वो कोई बोलेगा सन, तब लास्ट वाला क्या है, यन, ये लास्ट यन से है, तो उनको नेक्स्ट पर्सन को बोलना है नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पर्सन को बोलना है नेक्स्ट. अब टी है लास्ट में, तो उनको बोलना है टॉप. इस तरीके से कई सेंटेंस बना सकते हैं. आफ्टर प्लेइंग दिस एनर्जाइजर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. आपका लेसन क्या होगा, गॉसिप वन. ठीक है, गॉसिप ये बहुत इंपॉर्टेंट. क्या होगा टॉपिक आपको, गॉसिप वन. गॉसिप वन में टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो फर्स्ट योर फैसिलिटेटर इज गोइंग टू गिव यू ए वन सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन. वो बताएंगे कि यू एवरीबॉडी, अगर आप यू सी द न्यू गर्ल एट स्कूल, आपने क्या है न्यू गर्ल को देखा और गेटिंग पुलिस की कार में लड़की आई, एंड यू डोंट नो हर एंड हर फैमिली, तो आप क्या सोचोगे. कि पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट माइट यू अज्यूम वंडर सी वाज गेटिंग इन द पुलिस कार. क्या आप सोचेंगे कि वह पुलिस कार में क्यों बैठ रही थी, क्या आप सोचेंगे. वुड यू योर ओपिनियन चेंज एट ऑल इफ़ यू नो हर डैड वाज ए पुलिस ऑफिसर. क्या आपकी राय जो है बिल्कुल बदल जाएगी, आप जानते हो कि उसके पिता पुलिस अधिकारी हैं. इसी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बताओगे. What do you think rumor is? Rumor क्या होता है, अफवाह क्या है, gossip करने का क्या मतलब होता है, आपसे पूछेंगे. Then he will explain as well कि rumor क्या होता है. Rumor is common scenario when people jump conclusion based on assumption. ये क्या होता है कि लोग जब assumption करते हैं और conclusion पे आ जाते हैं बिना कुछ जाने समझे, और दूसरे के पीछे जो है गॉसिप करने का मतलब होता है दूसरे के पीछे बात करना, और नेगेटिव एक फीलिंग होता है, और जो हम दूसरे के बारे में बात करते हैं बैक पीछे जो बोलते हैं उसे होता है, बोलते हैं गॉसिप. ओके, देन यू आर गोइंग टू प्ले वन एक्टिविटी. एक्टिविटी नेम इज टेलीफोन गेम. टेलीफोन आपको गेम खेलना जाएगा. इसको स्टूडेंट को सर्किल में खड़ा किया जाएगा और उनको एक जो है सेंटेंस बोला जाएगा, और धीरे धीरे सेंटेंस आपके पास जाएगा. लास्ट में देखा जाएगा स्टूडेंट जो सेंटेंस बोला फैसिलिटेटर ने दिया था वही है, तो वो क्या होगा, सेंटेंस चेंज हो जाएगा. तो क्योंकि जो है इस तरीके से गॉसिप भी होता है, तो आपको समझाने का प्रयास करेंगे. एवरीबॉडी दिस इज एक्टिविटी, एक एक्टिविटी था, और जो आप देखेंगे कि पूरा मीनिंग ही चेंज होगा, जो आप मैंने बोला था इससे पूरा अलग हो गया. इसी तरीके से गॉसिप भी फैलता है, हम जो चीज़ें बोलते हैं दूसरे के पास जाता है तो चीज़ें बदल जाता है. इस तरीके से ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन, एंड क्योंकि हम कुछ बोलेंगे ही फॉगेट, वो अपने तरीके से बताएगा और उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है. तो इस तरीके से गॉसिप फैलता है एवरीबॉडी. देन यू आर गोइंग टू
इज गोइंग टू शेयर, यू हैव टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या आपके लाइफ में ऐसा हुआ है. थिंक अबाउट द टाइम यू हैव हियर्ड गॉसिप, आपने गॉसिप के बारे में सुना. और पार्ट ऑफ स्प्रेडिंग गॉसिप ओवर यू इन द स्कूल इन सोशल मीडिया, हाउ डिड मेक इट फील, वॉट डिड यू डू, आपने क्या किया था. देन आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताओगे और स्टिकी नोट्स आप जाके वहाँ पर पेस्ट करोगे. देन यू आर गोइंग टू पेस्ट ऑन द वाइट बोर्ड. देन क्या करना होगा आपको, ही इज़ गोइंग टू आस्क हाउ कैन बी स्टॉप, हाउ कैन बी रिस्पेक्टिंग अदर गॉसिपिंग बिहेवियर, कैसे इसको हम रोक सकते हैं जो हम करते हैं गॉसिप. देन यू आर गोइंग टू वॉच वन वीडियो, इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो. इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, आप जाके वहाँ पर वीडियो को वॉच कर लीजिएगा. वीडियो में बेसिकली है क्या कि 3 फिल्टर टेस्ट के बारे में, और कोई गॉसिप के बारे में, गॉसिप आपको कर रहा है, किसी चीज़ गॉसिप हो रहा है, या कोई किसी चीज़ के बारे में आके बता रहा है आपको किसी के बारे में कि आप उन्होंने ऐसा आपको बोला है, तो अब आप 3 फिल्टर टेस्ट आप कर सकते हो, है ना. उसके बाद फैसिलिटेटर बोलेंगे कि आपने थैंक यू कार्ड दिया था कि नहीं दिया था, जो आपको हम होम एक्सटेंशन मिला था. ठीक, देन ही इज़ गोइंग टू रैप अप द सेशन, इस तरीके से आपका सेशन खत्म हो जाएगा. ठीक है, और अब क्लास नेक्स्ट के लिए. ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल. अगर हेल्पफुल हो तो बताइए वीडियो, और की कमें बनाऊँ, अदरवाइज नॉट. ओके, थैंक यू.